तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जैसे गिटार बजिंग करता है, क्या हमारे जैसे हम बारकोड लगाते हैं क्या वो बारकोड में दिक्कत है, कहीं वो हमारे गिटार में तो प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है ऐसा। बहुत सारे बिगिनर्स कमेंट करते हैं सर हमारा बारकोड बजिंग कर रहा है। पॉसिबल नहीं है भाई कि हमारा बारकोड ही बजिंग करे, हो सकता है कि आपके गिटार के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है हमारे ओपन कोड में प्रॉब्लम हो सकता है हमारी स्ट्रिंग ही खराब हो। तो इसको कैसे पता, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे इस चीज में दिक्कत है, वो पता चलेगा आपको पूरी वीडियो देखने के बाद। अगर आपको जाना है तो अभी चले जाइए, बीच में वीडियो छोड़ के भागोगे तो आप फिर सर्च मारते रह जाओगे पूरी लाइफ टाइम में कि हमारा गिटार क्यों बजिंग करता है, हमारा बारकोड क्यों बजिंग कर रहा है। बस 5 मिनट से 10 मिनट की वीडियो है, अगर आपने ये देख ली ना तो लाइफ टाइम में आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी यूट्यूब पर सर्च मारने की कि हमारा गिटार बजिंग कर रहा है, हमारा बारकोड बजिंग कर रहा है। हमारे 5 आपको मैं ऐसे रीजन दूंगा कि हमारा बारकोड बजिंग प्रॉब्लम हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। 5 ऐसी चीजें बताऊंगा कि हमारा गिटार बजिंग प्रॉब्लम कर सकता है, ऐसी मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। बट वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, और चैनल पर नए तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लेना ताकि मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बढ़ते हैं क्लोजर लुक में, क्योंकि मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे कि हमें पता चलेगी कि हमारा गिटार बजिंग क्या कर रहा है। अगर हमें ठीक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें हमारी किस चीज में दिक्कत है, तो आ जाता है वो अपने क्लोजर लुक में। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए क्लोजर लुक में, अब मैं आपको बता देता हूं स्टेप बाय स्टेप कि हमारे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं हमारे गिटार में। पहले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आप अपने गिटार का जो हमारी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में देखिए कि आपका कितना गैप है। अगर थोड़ा है, एकदम थोड़ा सा इतना गैप है अगर आपके गिटार के ब्रिज में और ये जो है हमारा फ्रेटबोर्ड और हमारी स्ट्रिंग में अगर इतना गैप है तो भाई गुड है। अगर आपका ज्यादा ये हाई हो रहा है इस तरीके से, ये देखिए अगर आपका ये ज्यादा हाई हो रहा है, अगर आपका जो है फ्रेटबोर्ड है ये फ्रेटबोर्ड से और आपकी स्ट्रिंग ज्यादा उठी हुई है, तो ये पहला रीजन हो सकता है आपका कि आपका गिटार बजिंग करे, ठीक है। ये पहला रीजन हो सकता है जब हम ये ज्यादा उठी हुई होगी स्ट्रिंग, अगर हम कोई भी लीड प्ले कर रहे हैं या कोड प्ले कर रहे हैं, ओपन कोड प्ले कर रहे हैं, तो हम पूरी जान लगाएंगे वो फिर भी बजिंग कर रहेगा, क्योंकि इससे ये जो स्ट्रिंग होती है जब गिटार बैंड हो जाता है उसको बोलते हैं बैंड प्रॉब्लम, ठीक है। ये स्ट्रिंग हमारी फ्रेटबोर्ड से ना उड़ जाती है ऊपर की तरफ, ऐसे गिटार से ना बहुत ज्यादा ना गिटार से उड़ जाती है फ्रेटबोर्ड से दूर ऊपर की तरफ हो जाती है या बिल्कुल फ्रेटबोर्ड पे चिपक जाएगी, ये होती है हमारी बजिंग प्रॉब्लम, ये हमारा गिटार ना बैंड हो जाता है। आपको स्क्रीन में भी फोटो शो होती रहेगी साथ के साथ, ये पहला रीजन ये वाला हो सकता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसका सीधा सा सोल्यूशन है कि आप अपने गिटार में बिल्कुल भी पंगे मत लेना, कभी आप एक्शन हाई या लो कर दो, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपका गिटार डैमेज भी हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन है, एकदम सीधा सा फंडा है इसका, मैं आपको सीरियसली बताऊंगा, जब भी आपका आपके गिटार में ये प्रॉब्लम होती है तो सीधा शॉप पे जाइए, आप गिटार दीजिए रिपेयर करवाइए, बस इसका एक ही सॉल्यूशन है। अगर आप ज्यादा इधर उधर कर दोगे तो आपका गिटार बिल्कुल डैमेज भी हो सकता है, तो इस चक्कर में मत पड़ना कि खुद ही ठीक कर लो। ये पहला रीजन हो सकता है अगर आपके गिटार से ज्यादा स्ट्रिंग उठी हुई है तो। अगर थोड़ी बहुत है बिल्कुल ऐसे इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है, तो ये पहला रीजन हो सकता है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक वो पॉइंट के ऊपर कि हमारा दूसरा पॉइंट कौन सा है। दूसरा हमारा हो सकता है, अब मैं आपकी प्रॉब्लम बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ये चीज। बहुत सारे बिगनर्स क्या करते हैं कि फिंगर जो पोजीशन होती है फिंगर पोजीशन ही नहीं रखने आती उन्हें। सब फिंगर पोजीशन का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने सी कोड लगाया, ठीक है, सी कोड लगाया इस तरीके से, इस टाइम मेरा गिटार एकदम क्लियर साउंड कर रहा है, सुन सकते हैं आप, नो बजिंग। बट बहुत सारे बिगिनर्स की क्या प्रॉब्लम होती है, गिटार ओपन कोड भी बजिंग करता है, तो फिंगर पोजीशन में उनके दिक्कत हो सकती है। जैसे हमारा ये है, ठीक है, हम सी कोड लगाते हैं, हमने सी कोड लगाया इस तरीके से, तो बहुत सारे बिगिनर्स क्या करते हैं, हमें फिंगर कहां पे रखनी पड़ती है, जो ये हमारा ये वाला देख रहे हो, ये जो डंडी सी जा रही है, मुझे इसका नाम नहीं पता, ठीक है, इंटरनेट पे सर्च कर लेना अगर इसका नाम पता हो तो, वैसे मुझे इसका नाम नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना टाइम आप लगा के कि सर इसका नाम ये होता है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है वो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कह रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बता देना। तो आप बिगिनर्स क्या करते हैं, जैसे हम सी कोड लगाते हैं इस तरीके से, तो बिगनर्स क्या करते हैं, हमारे अपनी फिंगर इसके बिल्कुल बराबर में लगानी होती है, जो ये वाली जो डंडी दिख रही है वाली एकदम स्टील की, तो इसके बिल्कुल बराबर में लगानी पड़ती है अपनी फिंगर, ताकि हमारी ये बिल्कुल क्लियर साउंड करे अपनी स्ट्रिंग। बट बिगनर्स क्या करते हैं, एकदम इसको बीच में ले आएंगे या इसको एकदम कोने पे कर देंगे और फिर प्ले करते हैं,
तो ये भाई ये प्रॉब्लम हो सकती है आपके, अगर फिंगर पोजीशन नहीं आपसे करेक्ट हो रही तो भाई इसको करेक्ट कीजिए। अपना एकदम करेक्ट कोड लगाना है तो बिल्कुल इसके बराबर में लगानी पड़ती है हमें फिंगर, ताकि एकदम क्लियर साउंड आए एकदम स्ट्रिंग की। ये देखिए एकदम क्लियर। अब मैंने ये यहाँ पे सी कोड के लिए वाला नोट भी प्ले होता है तो एकदम बिल्कुल ये वाली जो स्टील की डंडी है इसके बिल्कुल बराबर में लगाऊंगा मैं अपनी फिंगर, ना बीच में लगाऊंगा ना एकदम पीछे लगाऊंगा, बिल्कुल इसके बराबर में लगाऊंगा, बिल्कुल बराबर में। आप देख सकते हैं ये तरीका होता हमारा, और अपनी ये वाली स्ट्रिंग पे भी एकदम क्लियर साउंड। बिगिनर्स क्या करते हैं एकदम इनको कोने पे ले आएंगे बीच में लगा देंगे और फिर कहेंगे मेरा तो ओपन कोड भी बजिंग हो रहा है ऐसे, तो जब आपको फिंगर पोजिशन ही नहीं लगानी आती तो ये आपका रीजन हो सकता है। ठीक है, ये आपका रीजन हो सकता है। दूसरा तो कैसे करना है एकदम, जो ये स्टील की रोड है ये जो डंडी सी है बिल्कुल इसके बराबर में लगाना एकदम इस तरीके से। ये होता हमारा एकदम करेक्ट तरीका हमें अपना कोड पकड़ने का। अब तीसरे टॉपिक के ऊपर चलता है। तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा पॉइंट टॉपिक कह सकता है, पॉइंट कह सकता है। ठीक है, तीसरा टॉपिक क्या है हमारा, जैसे कि हम बार कोड लगाते हैं। ठीक है, हमने बार कोड लगाया बट वो बजिंग कर रहा है। ओपन कोड लगाया, फिंगर पोजीशन ठीक है लेकिन बजिंग कर रहा है, तो कहां दिक्कत हो सकती है। तीसरे टॉपिक में आपके दिक्कत हो सकती है कि आपने इसके अंदर प्रेशर नहीं लगा रखा, आपने एक कोड ठीक पकड़ रखा है, ठीक है आपने फिंगर पोजीशन भी ठीक लगा रखी है, ये भी ठीक है, बट जब आप कोड पकड़ते हो तो जो आपका ये वाला हिस्सा होता है पीछे का, इनको बिल्कुल ना एकदम ना पकड़ के रखना पड़ता है, एकदम आप ढीला नहीं छोड़ सकते। अगर मैं इसको, मेरी हर चीज ठीक है इसमें, कोड पोजीशन भी ठीक है, मैंने कोड भी ठीक ला रखा है, फिंगर भी ठीक ला रखी है, लेकिन मैंने इसको ढंग से प्रेस नहीं कर रखा ना, एकदम ऐसे बिल्कुल इस तरीके से ढंग से प्रेस नहीं कर रखा तो बजिंग होगा। ये तरीका हो सकता है। अगर आप, अभी मैंने दूसरे टॉपिक में क्या बताया था कि फिंगर पोजीशन आपकी ठीक नहीं है, तो फिर आप क्या होगा कि सर फिंगर पोजीशन भी मेरी ठीक है लेकिन बजिंग कर रहा है, भाई इसके अंदर प्रेशर भी लगाना पड़ता है एकदम ढंग से, इसमें थोड़ी सी ताकत भी लगती है। गिटार बजा रहे तो जिम के अंदर ताकत लगती है डंबल उठाने में, ऐसी इसके अंदर भी ताकत लगती है भाई, इसमें थोड़ा सा अगर आपने फिंगर लगा रखी है तो इसमें ताकत भी लगाइए भाई, इसमें भी ताकत लगाइए, इसमें भी ताकत लगाइए, इसको पकड़ने में भी ताकत लगाइए, जब ही आपका क्लियरली साउंड आएगा। वही चीज हमारे बारकोड में होती है। बिगिनर्स क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी प्रेशर लगाना पड़ता है बारकोड में, हकीकत है, कहीं नहीं भाग सकते आप इससे, इसमें थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है, जब ही आपका क्लियर साउंड हो करेगा। बिगिनर्स क्या करते हैं एकदम ढीला छोड़ गए, फिर ऐसे ऐसे करेंगे फिर बजिंग होता है, ओपन कोड में भी बजिंग होता है, ढंग से प्रेस नहीं करते उसको। ये होता है तरीका। ठीक है, एकदम फिंगर पोजीशन भी ठीक रखी है अपनी और इसको ढंग से भी प्रेस करिए। ठीक है, ये होता हमारा, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब बढ़ते हैं चौथे टॉपिक के ऊपर, पॉइंट के ऊपर। जैसे कि हमारे गिटार लिए हुए कितना टाइम हो गया, 6 महीने हो गए। ठीक है, बिगिनर्स क्या करते हैं, साल साल भर, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और स्ट्रिंग ही नहीं बदलते उनको। बताइए ऐसे ऐसे बिगिनर्स गलती करते हैं कि अपनी स्ट्रिंग ही नहीं बदलते। तो भाइयों और उनकी बहनों, तो भाई अपने 6 महीने के अंदर स्ट्रिंग चेंज कर लीजिए अगर आपकी नहीं टूटती तो। ठीक है ना, फिर कहते हो सर हमारा गिटार बजिंग हो रहा है, कमेंट बॉक्स में फिर कमेंट करते हो सर जी मेरा तो गिटार बजिंग हो रहा है मैं क्या करूं। भाई गिटार स्ट्रिंग बदल लीजिए, 2 साल 3 साल से आपके गिटार में वही स्ट्रिंग पड़ी है। ठीक है, 6 महीने मैक्सिमम इनकी एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी डेट। हाँ भाई, कोई हमारे टॉक्स पे नहीं लिखा रहता, इसके बॉक्स पे या इसके पैकेट पे नहीं लिखा रहता कि एक्सपायरी डेट इतनी है, बट हाँ मेरा मानना यह है कि हमारे जो इसके अंदर वो थिकनेस होती है ना, एकदम जो इसमें खींचने की ताकत होती है, वो एकदम एक टाइम के साथ ना वो खत्म हो जाती है। तो कोशिश करना, ज्यादा महंगी नहीं आती, 100-150-200 रुपए की हमारी बेस्ट गिटार की स्ट्रिंग आ सकती है, आप ऑनलाइन भी सर्च मार सकते हो। ठीक है, तो अपनी भाइयों और बहनों उनकी, ठीक है, तो अपनी स्ट्रिंग को चेंज कर लीजिए हर 6 महीने बाद, चाहे वो टूटे या ना टूटे, आपके गिटार के भी और इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज्यादा, कहीं बैंड वैंड हो जाए तो मैं अपनी गिटार की स्ट्रिंग 6 महीने में बदल लेता हूँ, चाहे वो टूटे या ना टूटे, ये आपके बजिंग प्रॉब्लम हो सकती है चौथे। अब बढ़ते हैं पांचवें टॉपिक के ऊपर। तो पांचवा टॉपिक ये है, ये इसको थोड़ा सा ना डीप समझना होगा हमें। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जो स्टील की वाली रोड है ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्टील की रोड है इसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता देना प्लीज। तो ये क्या होता है, ये ना गिटार, जब हमारा गिटार थोड़ा सा पुराना हो जाता है, या नहीं कह सकता कि मैं पुराना हो जाता है, बट किसी किसी गिटार में प्रॉब्लम होती है, और मेरे गिटार में भी ये प्रॉब्लम थी और अभी भी है, मैंने ठीक कराया बट उन्होंने फिक्स फिर भी नहीं करी। तो इसकी क्या प्रॉब्लम होती है, जो ये वाली जो ये पूरी डंडी है स्टील की, ठीक है, तो ये ना जो हमारा फ्रेटबोर्ड है ना, ये वाला फ्रेटबोर्ड, इससे ना थोड़ी सी ना उठ जाती है ये चीज, जो हमारी ये वाली है, ये डंडी है, ये ना गिटार से ना मेरी ना थोड़ी सी उठी हुई है। देखो अभी ना यहाँ पे बजिंग साउंड आएगी, ये देखिए बजिंग साउंड आ रही है,
सुनाई दे रही है। अब ये नोट कितना क्लियर है, एकदम क्लियर साउंड कर रहा है एकदम। देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। और ये वाला, ये बजिंग साउंड कर रहा है। एक ये भी हमारे गिटार के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारा गिटार बजिंग साउंड करे इसकी वजह से, कि ये आपको स्क्रीन में फोटो शो हो गई होगी। एक्चुअली जो है आप दोनों वो देख रहे हैं सर्कल, ये चीज मेरी गिटार से ना उठ चुकी है जब भी मेरे यहां से गिटार बजिंग साउंड कर रहा। और ये वाला नोट एकदम क्लियर है, क्लियर है। तो ये भी हमारे गिटार के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, तो गिटार रिपेयर करवाइए अपना, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे मेरा भी एकदम गंदी सी साउंड आ रही है क्योंकि ये जो डंडी है इसकी, कमेंट बॉक्स में बता देना क्या कहते हैं, तो ये गिटार से ना उठ चुकी है इसलिए मेरी बजिंग प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं इसको ठोक के फिलहाल ठीक नहीं करूंगा क्योंकि मेरा पूरा ये जो हमारा फ्रेटबोर्ड है डैमेज हो सकता है, इसलिए मैंने इसके कोशिश नहीं करी क्योंकि गिटार महंगा है मेरा, इसलिए मैंने ज़्यादा वो लगाने की कोशिश नहीं करी कि मैं ठोक दूँ इन्हें। ठोक तो दूंगा बट कल को फिर मेरा गिटार ये पूरा बैंड हो गया या कुछ डैमेज हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगी, सस्ता गिटार तो है नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, गिटार रिपेयर करवाना है। एक ये प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने आपको 5 तरीके बता दिए एंड 5 वो बता दी मैंने आपको कि हाँ भाई हमारा ये गिटार प्रॉब्लम हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हमारा गिटार ही बार कोड ही बजिंग करें, जरूरी नहीं है कि हमारा ऊपर कोड ही बजिंग करें, क्या बता मैं गिटार में प्रॉब्लम हो, जैसे कि मेरे इस नोट में हो सकता है, मेरे पूरे सारे में हो, किसी के हो, क्योंकि जो सस्ते गिटार होते हैं उनमें सब में हो सकती है। तो अपने गिटार को रिपेयर करवाइए, बस यही इसका सोल्यूशन। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि मेरे वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।